दोस्तों, सड़कों पे क्यों आने वाली है इतनी सारी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स? क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया का फ्यूचर है? कितने टाइम में चार्ज होती है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर? इसकी असली रेंज और टॉप स्पीड कितनी है? ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड कब शुरू करने वाला है? दोस्तों, क्या आपको पता है ओला ने कितने पैसे लगाए हैं इसे सेटअप करने में? आइए जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ जाने अनजाने फैक्ट्स। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक सरप्राइज गिव अवे भी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जल्दी से सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान हो गया है और अब इंडियन गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट दे रही है इलेक्ट्रिक वाहनों को। ओला के मालिक भावेश अग्रवाल जी ने इस मौके का फायदा लिया है और बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया है और एक मिशन बनाया है कि 2025 तक इंडिया में पेट्रोल टू व्हीलर्स नहीं बिकेंगे। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को खोलने के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग ली थी जुलाई 2019 में। उन्होंने मई 2020 में एम्स्टर्डम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को खरीदा जिसका नाम है अर्टको। दिसंबर 2020 में ओला ने अनाउंस किया कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, जिसको बनाने की कीमत लगभग 2400 करोड़ रुपए है। ये प्लांट देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है। इसे 500 एकड़ में बनाया गया है। आपको बता दूं, 500 एकड़ मतलब 378 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। यार, 378 फुटबॉल ग्राउंड्स, मैं तो एक साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। मॉडल्स की बात करें तो ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर दो वर्जन्स में लॉन्च हुई है, S1 एंड S1 Pro। अब बात करते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशंस की। बैटरी की बात करें तो ओला S1 में 2.98 kWh लिथियम ऑन बैटरी है और ओला S1 Pro में 3.97 kWh लिथियम ऑन बैटरी है। तो काफी बड़ी बैटरी है अब तक के कोई भी इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। रेंज की बात करें तो ओला S1 की IDC रेंज है 121 किलोमीटर और ओला S1 Pro की रेंज है 181 किलोमीटर। IDC रेंज क्या होता है? IDC का फुल फॉर्म है इंडियन ड्राइव साइकिल रेंज, जो एक आइडियल रेंज माना जाता है, बट असलियत में तो IDC से रियल रेंज हमेशा वेरी ही होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग टाइम की बात करें तो जो पोर्टेबल चार्जर स्कूटर के साथ आता है उससे आप ओला S1 को 4.8 आवर्स लगभग 5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं और ओला S1 Pro को 6.5 घंटों में चार्ज कर सकते हैं। बट ओला कहता है कि अगर आपने उनके हाइपर चार्जर नेटवर्क स्टेशन से अपना स्कूटर चार्ज किया तो आप केवल 18 मिनटों में लगभग 75 किलोमीटर की चार्जिंग रेंज चार्ज कर सकते हैं। ओला ने कहा है कि वो 1,00,000 प्लस चार्जिंग स्टेशन इंडिया में लगवाने वाले हैं, वो भी 400 अलग अलग शहरों में। अब हम फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत से अमेजिंग फीचर्स है, जैसे कि 0-40 किलोमीटर पर आर इन 3 सेकंड्स, 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड, पावरफुल मोटर, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, मतलब आप अपने स्कूटर को थोड़ी दूर से ही रिमोट से ऑन कर सकते हैं, चाबी की जरूरत नहीं है, रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल, कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड जिसे आप अपने मूड्स के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, वॉइस कमांड, इतने सारे फीचर्स किसी नॉर्मल कार में भी नहीं होते। मेरे हिसाब से तो पेट्रोल टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की इंडिया में जल्दी बाय बाय होने वाली है। प्राइस की बात करें तो ओला S1 की प्राइस है 99,999 रुपए और ओला S1 Pro की कीमत है 1,29,999 रुपए। और क्या धमाकेदार रिस्पांस मिला है इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को,
24 घंटों में 1,00,000 बुकिंग। जी हाँ, सिर्फ 499 रुपए में आप इसे बुक कर सकते हैं। डिलीवरी की बात करें तो कंपनी ने क्लेम किया है कि वो अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे, जो अब तक शुरू हो जानी चाहिए। और ओला ने प्लान किया है कि वो स्कूटर्स की टेस्ट राइड 10 नवंबर 2021 से शुरू कर देंगे। इंडिया में करीब 1,000 शहरों से इसकी बुकिंग हो चुकी है। अब आपकी चॉइस है कौन सा वाला मॉडल आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं एक गिव अवे। अमेज़न का 500 रुपीस का वाउचर हो सकता है आपका। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दीजिए। विनर की अनाउंसमेंट हम 1 दिसंबर 2021 को करेंगे। हमारा चैनल नया है तो प्लीज आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।